कोई सवाल हो तो फिर उसको शुरू किया जाए। जो आज के दौर में CAA जो नाफिज हुआ है, जो इम्प्लीमेंट हुआ है, तो इससे क्या क्या नुकसान होने वाले हैं और इससे किस हद तक देश पर असर पड़ेगा? सबसे अहम बात तो ये है कि इस कानून को ही हम मानते हैं और ये कानून संविधान का जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 14 उसका उल्लंघन करता है और ये इस आधार पर बनाया गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये जो मुस्लिम लोग हैं वहाँ से गैर मुस्लिम लोग भारत में आते हैं उनको नागरिकता देने के लिए वहाँ पर उन पर एट्रोसिटी होती है। मगर पाकिस्तान में ऐसे भी मुस्लिम लोग पार्टीशन के दौरान गए जिनको मुहाजिर कहा जाता है और वहाँ उनके साथ में न्याय नहीं होता, ऐसी उनकी कंप्लेंट है। तो ये कंप्लेंट वो यूनो तक लेके गए। तो भारत सरकार का ये कहना कि मुसलमान छोड़कर पाकिस्तान में सभी लोगों के ऊपर अन्याय होता है, ये बात गलत है। भारत में मुसलमानों के साथ साथ SC ST OBC और तमाम प्रकार की माइनॉरिटी के ऊपर अन्याय होता है। जैसे भारत में होता है वैसे पाकिस्तान में भी होता होगा, अफगानिस्तान में भी होता होगा और बांग्लादेश में भी होता होगा, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए केवल मुस्लिम्स को एक्सक्लूड करने का जो सोच है, उनको नागरिकता ना देने का सोच है, एक तो ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है एक बात, मगर इसके पीछे राजनीति है, शुद्ध राजनीति है। वो राजनीति ये है कि ये मामला होने से मुसलमान प्रतिक्रिया करेगा और प्रतिक्रिया करते ही मामला हिंदू मुसलमान का हो जाएगा और हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण जब हो जाएगा तो एक साइड हिंदू हो जाएंगे, एक साइड मुसलमान हो जाएंगे। ये ध्रुवीकरण से SC ST OBC के अंदर जो जागृति फैल रही है वो जागृति खत्म हो जाएगी और उनको हिंदू बनाकर उनका भाजपा के लोग अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ये सारी साजिश है और इस साजिश के ध्यान में रखते हुए हम इसके विरोध में हैं। CAA और NRC अलग है, इससे CAA से किसी किस्म की जो है तकलीफ़ नहीं होती मुसलमानों को बोल के ये लोग बोल रहे, तो इसका नहीं, मुसलमानों को तकलीफ़ नहीं होती, ये BJP का वर्षन है, ये बात सही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आसाम में हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट है फिर भी उनको नागरिक नहीं माना गया और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आए हुए हैं, हम उनकी केसेस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, डॉक्यूमेंट है उनके पास में, जीनियन डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर जब NRC अगर लागू हो जाएगा तो इससे मुल्क को क्या नुकसान होगा? देखो, सबसे बड़ा मामला तो ये है कि धर्म के बुनियाद पर देश को विभाजित करने का एक मसला खड़ा हो जाएगा नए सिरे से और ये एक साजिश है ऐसा मैं मानता हूँ। BJP ये कहती है कि NRC से ऐसा कुछ नहीं होगा, अब तो BJP ने कानून बनाया उसका समर्थन करने के अलावा क्या उपाय है? मगर मेरा ऐसा मानना है कि BJP के लिए ये उन्होंने जो नहीं सोचा था वो हुआ, तो एक प्रकार से बुमरैंग हो रहा है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था इतना बड़ा बवाल हो जाएगा, ये बवाल तो अभी शुरू हो गया, आने वाले समय में बवाल बढ़ेगा, घट नहीं होगा। और ये बवाल BJP वाले खुद बढ़ा रहे, जिन राज्यों में BJP की सरकार नहीं है वहां कोई फसाद नहीं हुई, जिन राज्यों में BJP की सरकारें हैं BJP ने ही उस बात को प्रोत्साहन दिया, फुल गाड़ियां खुद ही जलाई, नमाज की टोपी डाली BJP के कार्यकर्ता ने, कुर्ता पायजामा पहना BJP के कार्यकर्ता ने, और कुछ ऐसे लोग पकड़े गए। जामिया मिलिया इस्लामिया में भी वो लोग खुद जाकर गाड़ियां जलाई, उसके सारे वीडियो वायरल हुए। तो इसका मतलब है खुद केंद्र सरकार और BJP की सरकार ये चाहती है मामला हिंदू मुसलमान का बने, प्रधानमंत्री ने खुद बयान दिया, ऐसा तो भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने बयान दिया वो ऐसा कभी नहीं हुआ, मगर पहली बार है किसी प्रधानमंत्री ने बयान दिया। या विरोध करने वाले लोगों के कपड़े देखो तो आपको पता चलेगा कि कौन लोग विरोध कर रहे हैं।
वो इंडिकेट कर रहे हैं देश का प्रधानमंत्री की मुसलमान लोग है जी, रामलीला मैदान ये नहीं पहले किया रामलीला मैदान में तो वो ये कह रहा है कि जो भारतीय मुसलमान है उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी जी। शैतान के ऊपर विश्वास कैसा कर ये तुम्हारा बयान है, तुम्हारे बयान पर यकीन कौन करे? बहुत सारे विश्वास करने का कोई आधार है नहीं, हम विश्वास नहीं कर रहे अभी एनआरसी। हम विश्वास की छोड़ो, ये कानून ही नहीं चाहते हम इस ओपिनियन के, और इसके लिए भारत बंद करेंगे, इसके लिए लाखों लोगों की रैलियां करेंगे देश भर में। अभी एनआरसी का कुछ फॉर्म ही नहीं है, तो अभी से जो है बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि हम एनआरसी अपने स्टेट्स में लागू होने नहीं देंगे। कानून के अनुसार वो ऐसा कह नहीं सकते, वो मुसलमानों को या दूसरे दिगर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें या तो कांग्रेस की सरकारें है या कुछ इस प्रकार की सरकारें हैं जो मूलतः SC ST OBC मुसलमानों के विरोधी लोग हैं, वो उन लोगों को आंदोलन ना कर सके इसलिए गुमराह कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट ने पास किया हुआ कानून है और ये कानून लागू करना बंधनकारक है। ये कानून ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मर्जी से लागू हो। क्या आप ये मानते हैं कि आंदोलन इसको एक उपाय है स्थगित करना, मंत्रिमंडल रेजोल्यूशन पास करके इसको स्थगित कर सकता है कि तुर्त देश के हालात ठीक नहीं है इसलिए इस बात को इस कानून को स्थगित किया जाता है, रद्द नहीं स्थगित किया जाता है, ये उपाय है। तो ये इसके लिए हमारी कोशिश है। तो क्या आप ये मानते हैं कि आंदोलन और बढ़ेगा? बढ़ाएंगे, बढ़ेगा अपने आप थोड़ी बढ़ेगा बढ़ाएंगे और दिगर संगठनाओं का साथ लेकर बढ़ाएंगे। ये लड़ाई हजारों संगठनाओं को मिलाकर के बड़े आंदोलन, ये तो बहुत अच्छा काम किया मोदी जी का, तो मैं बहुत आभारी हूँ कि साला मौका नहीं मिल रहा था, अच्छा मौका मिला जनता को, सारे लोगों को इकट्ठा होने का, मोदी जी को बधाई कि जनता को इकट्ठा कर दिया, सारे SC ST OBC माइनॉरिटी तमाम प्रकार के जो लोग हैं इस मुद्दे पर इकट्ठा हो रहे देश भर में, समझाने से इतना इकट्ठा नहीं हो रहे थे, मोदी जी को बधाई तुमने एक ही झटके में कर दिया। रियल कह रहा हूं, शुक्रिया सर।